अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ राणा है। मैं मोमिनाबाद जनरल हॉस्पिटल में पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूँ। मोमिनाबाद हॉस्पिटल से मेरी एफिलिएशन बहुत ज़बरदस्त रही है पिछले 12 सालों के दौरान। इसमें हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है पूरे हॉस्पिटल में, स्पेशली ऑपरेशन थिएटर में। अब अनकरीब हम अपने एक दूसरे ऑपरेशन रूम का भी इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसमें काम जारी है। हमारे यहाँ ऑपरेशन थिएटर में तमाम किस्म की सहूलियात जो एक बेसिक ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होती हैं, वो मौजूद हैं। और स्पेशली हम यहाँ अपने स्टरलाइजेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेशन रूम को स्टरलाइज करने के लिए, वो सब हम यहाँ पे तमाम मामलात जो है वो हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहांगीर है। मैं मोमिनाबाद जनरल हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से एक्सरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर 24 आवर डिजिटल एक्सरे, सियाम और पोर्टेबल एक्सरे की सहूलत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला रहीम है। मैं पिछले 5 सालों से मोमिनाबाद जनरल हॉस्पिटल में एज अ फिलबॉटनिस्ट काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ तकरीबन तमाम रूटीन टेस्ट और इसके साथ स्पेशल टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट रिटार्डेड है, जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, उनके साथ हम अपना एक स्टाफ भेजते हैं जो कि वहाँ से ब्लड सैंपलिंग करके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सुनील, जनरल सर्जन, अगेन फ्रॉम द मोमिनाबाद अस्पताल। मोमिनाबाद अस्पताल एक छोटा सा अस्पताल, ये कहना सही नहीं है। मोमिनाबाद एक दरमियाने लेवल का अस्पताल है, जिसमें फैसिलिटी एक बड़े अस्पताल जितनी है। बड़े अस्पताल की फैसिलिटी यूँ कह लें कि जैसे भी पेशेंट मोमिनाबाद अस्पताल में आता है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप मिलती है, काउंटर पर पहुँचता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है, चाहे वो इमरजेंसी से आए या किसी कंसल्टेंट को ओपीडी में दिखाने आता है। उसके बाद अगर पेशेंट को दाखिल किया जाता है तो उसकी अलग से फाइल बनती है। यहाँ पे इन फाइल और रजिस्ट्रेशन सिस्टम का रिकॉर्ड बहुत अच्छी तरह मेंटेन होता है, जिस रिकॉर्ड को हम 3 साल तक मेंटेन करते हैं। किसी को कभी कोई रिपोर्ट्स का कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो तो फिर वो अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट भी कर सकता है। जब भी कोई लेबॉरेटरी की रिपोर्ट या एक्सरे की रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स बनती हैं तो उनके मैसेजेस, उनकी रिपोर्ट्स जिसको हम ई रिपोर्ट कहते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाती है। इवन पेमेंट के मैसेजेस पेशेंट्स को भेजे जाते हैं, इवन मैसेजेस कंसल्टेंट्स को भी भेजे जाते हैं कि आपका पेशेंट दाखिल हो गया है या डिस्चार्ज हो गया है। मैं आपको जनरल सर्जरी के हवाले से बताता हूँ। जनरल सर्जरी में हम छोटे बड़े सारे किस्म के ऑपरेशन मोमिनाबाद जनरल अस्पताल में करते हैं। अपेंडिक्स और पित्त की पथरी का तो लेप्रोस्कोपिक जरिए, जिसको आम तरह लोग लेज़र सर्जरी कहते हैं, वो ऑपरेशन कर, छोटे पेशाब के जुमला अमराइज के भी ऑपरेशन यहाँ होते हैं। स्किन और छाती की गुठली हो उसके भी ऑपरेशन यहाँ होते हैं। गुर्दे मसाने की पथरी, छोटे बड़े हर्निया, सारे ऑपरेशन तकरीबन हम मोमिनाबाद अस्पताल में करते हैं। ऑपरेशन के बाद जो पोस्ट ऑफ केयर कहलाती है, जिसको हम नर्सिंग केयर भी कहते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद अहमद है। मैं पिछले 6 साल से मोमिनाबाद जनरल हॉस्पिटल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम हैरिसन है। मैं यह मोमिनाबाद जनरल हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से काफ़ी अर्से काम 24 आवर काम कर रहे हैं, ताकि
यहाँ के मरीजों को, यहाँ के स्टाफ को अच्छा माहौल प्रोवाइड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना अली है और मैं गुज़श्ता 12 साल से मोमिनाबाद जनरल हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में काम कर रही हूँ। हम यहाँ पे स्टरलाइजेशन और सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। हम यहाँ मोमिन आबाद जनरल हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ सर्जरीज़ कर रहे हैं। जनरल सर्जरी में हम यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडोजूरोलॉजी और तमाम ओपन सर्जरी, गट सर्जरीज़ तमाम यहाँ पे कर रहे हैं और ENT के अंदर तमाम हेड एंड नेक सर्जरीज़ कर रहे हैं और गायनी में तमाम मेजर ऑपरेशन जो हैं, टोटल एब्डोमिनल एस्टेक्टोमीज़, वेजाइनल एस्टेक्टोमीज़ और वेजाइनोप्लास्टी वगैरह जैसे मेजर ऑपरेशन हम कर रहे हैं। और ऑर्थोपेडिक के अंदर हमारे पास तमाम जो इम्प्लांट, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन सर्जरीज़ हैं और लोअर लिम्ब की सर्जरीज़ हैं। अब हम अपने ऑपरेशन थिएटर्स को इस तर्ज के तरफ लेके जा रहे हैं कि हम यहाँ पे टोटल हिप और टोटल नी रिप्लेसमेंट जैसे मेजर ऑपरेशन यहाँ मोमिनाबाद जनरल हॉस्पिटल में कंडक्ट कर सकें।